आज से 76 साल पहले ये 30 जनवरी 1948 की ही बात थी जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। हुआ ये था कि ये बिरला हाउस है, एक तरह से महात्मा गांधी का घर। शाम 5:15 बजे की बात है। गांधी जी जस्ट अभी अपने कमरे से निकलकर इस प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि प्रेयर ग्राउंड में इतनी भीड़ में रिवॉल्वर लेके आज उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे उनका इंतजार कर रहा है। इतनी भीड़ में रिवॉल्वर किसी को दिखाई ना दे जाए, इसलिए गोडसे ने ऐसे खड़े होकर रिवॉल्वर यहाँ छुपा रखी है। अपने कमजोर कदमों से चलते हुए गांधी जी जैसे ही प्रेयर ग्राउंड की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचे, वैसे ही हजारों की भीड़ में खड़े गोडसे ने भीड़ से निकलकर गांधी जी को झुककर प्रणाम किया। गोडसे को आगे आते हुए देख गांधी जी की भतीजी मनु ने आगे बढ़कर गोडसे को बोला, बापू को देर हो रही है, आप साइड हटो। लेकिन आज नाथूराम गोडसे अपना टारगेट सेट करके ही आया था, इसलिए उसने अपने एक हाथ से मनु को धक्का मारा और दूसरे से गांधी जी पर अपनी .39 कैलिबर बेरेटा M1934 रिवॉल्वर तानी और तीनों गोलियां गांधी जी ने दाग दी। देश में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, लेकिन पूरे भारत के मन में सिर्फ एक ही सवाल था। जो गोडसे खुद महात्मा गांधी की पूजा करता था, उन्हें गुरु मानता था, उसने ही गांधी जी को गोलियां क्यों मार दी? मोरओवर ऐसा क्यों है कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि गोडसे ने गांधी को मारकर सही किया? इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझेंगे कि गांधी जी की हत्या क्यों और कैसे हुई। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। गांधी जी की मौत से 38 साल पहले की बात है। बॉम्बे पूना लाइन के पास के एक गांव बारामती में साल 1910 में नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ। गोडसे का असली नाम रामचंद्र था, पर उसके माँ बाप को लगता था कि उनके परिवार पर किसी तरह का श्राप है जिससे उनके सारे मेल चिल्ड्रन की डेथ हो रही है। इसलिए उन्होंने गोडसे को एक लड़की की तरह पाला और उसको एक नथ पहनाई, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा नाथूराम। स्कूल में मन ना लगने के कारण उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया और कारपेंटर और फ्रूट वेंडर का काम किया। गोडसे को हिंदू रिलीजियस लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स पढ़ने का काफी शौक था। ध्यान दो कि महात्मा गांधी की राइटिंग्स को भी वो काफी शिद्दत से फॉलो करता था। इनफैक्ट नाथूराम गोडसे गांधी जी का इतना पक्का फॉलोअर और बिलीवर था कि उसने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी बढ़ चढ़कर पार्ट लिया। 1932 में नाथूराम गोडसे ने RSS और हिंदू महासभा को ज्वाइन किया और यहीं पर वो वीर सावरकर के कॉन्टेक्ट में आया। नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर के बारे में एक बहुत ही अनबिलीवेबल बात ये भी है कि 1975 में पब्लिश हुई एक बुक फ्रीडम एट मिडनाइट के अकॉर्डिंग ये दोनों गे या होमोसेक्सुअल थे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बल्कि इस बुक के पेज नंबर 423 पर आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इस बुक के रिलीज होने के एक साल बाद ही यानी 1976 में नाथूराम गोडसे के सगे भाई गोपाल गोडसे ने बॉम्बे कोर्ट में इस बुक के ऑथर्स के खिलाफ डिफेमेशन केस किया और इस बुक पर बैन लगाने की डिमांड भी की थी। फॉलोइंग दिस, इस फ्रीडम एट मिडनाइट बुक के नेक्स्ट एडिशंस में से होमोसेक्सुअलिटी वाली बात को रिमूव कर दिया गया। खैर, वीर सावरकर की संगत का सबसे बड़ा असर नाथूराम गोडसे पर यह हुआ कि उसकी आइडियोलॉजी पैसिफिस्ट से मिलिटेंट की तरफ बढ़ने लगी। अगर आसान भाषा में बताऊं तो पैसिफिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब है गांधी जी जैसी शांत विचारधारा वाला व्यक्ति और मिलिटेंट आइडियोलॉजी का मतलब है भगत सिंह जैसी क्रांतिकारी विचारधारा वाला व्यक्ति। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे गोडसे के मन में गांधी जी के लिए दुश्मनी बढ़ती गई। नाथूराम गोडसे गांधी जी से इसलिए नफरत करने लगा था क्योंकि उसका मानना था कि गांधी जी ने अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को कमजोर कर दिया है। नाथूराम गोडसे ऐसा भी मानता था कि गांधी जी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अपने हर मेजर डिसीजन में ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हिंदू धर्मों के लोगों के खिलाफ जाकर उन्होंने देश को धोखा दिया है। धीरे धीरे ये विचारधारा नाथूराम गोडसे के दिमाग में इतनी मजबूत हो गई कि उसने गांधी जी को जान से मारने का फैसला कर लिया। ओवरऑल इस टाइमलाइन को इन ग्राफिक्स के जरिए आप ऐसे समझ सकते हो कि 1942 एक वो बीच का साल था जब नाथूराम गोडसे की विचारधारा ने शिफ्ट मारा। 1910 में पैदा होने के बाद से लेकर 1942 तक इस इतने ड्यूरेशन में वो गांधी जी का भक्त था और 1942 से लेकर 1948 में उन पर गोली चलाने तक वो उनसे नफरत करता था। इस वीडियो के आगे के हिस्से में दो पैरेलल स्टोरीज चलने वाली हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर बात करूं नाथूराम गोडसे की, तो बॉम्बे से चलकर वो 30 जनवरी 1948 को सुबह 7 बजे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ऑन द अदर हैंड, आज हत्या वाले दिन बिरला हाउस में रोजाना की तरह ही गांधी जी सुबह 3:30 बजे उठे और उन्होंने 4:45 बजे अपनी प्रार्थना सभा की, शहद और नींबू वाला गर्म पानी पिया और 4:45 बजे वापस सोने चले गए। 3 घंटे सोने के बाद सुबह 8 बजे गांधी जी फिर से उठते हैं और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं। नॉर्मली उनके रूटीन में इंक्लूडेड होता था सुबह उठ के ब्रज कृष्ण से अपनी मालिश करवाना, अखबार पढ़ना, आभा से बांग्ला सीखना, नाश्ते में बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाना और बकरी का दूध पीना। मोरओवर महात्मा गांधी से रिलेटेड एक डिस्टर्बिंग बात ऐसी भी है जिसको पहली बार में सुनके तो विश्वास ही नहीं होता, पर हाँ, इस बात को प्रूव करने के लिए काफी सारे ठोस सबूत आज भी मौजूद हैं। असल में बात यह है कि कुछ साल पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य अपना लिया था। उनके लिए सिर्फ ब्रह्मचारी होना काफी नहीं था, उनका मानना था कि उनके फॉलोअर्स के सामने उन्हें ये प्रूव भी करना चाहिए कि वो एक कठोर ब्रह्मचारी हैं और उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है। अब ये बात सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन हाँ, अपने ब्रह्मचर्य को साबित करने के लिए वो अपने इनर सर्किल की लेडीज के साथ में सोते और नहाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गांधी जी ने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को कभी भी दुनिया से छुपाया ही नहीं।
अपने लेटर्स में गांधी जी ने कई बार इन तीन लेडीज के बारे में जिक्र किया है। ये है मनु, जो कि सिर्फ 17 साल की थी, यानी गांधी जी से 60 साल छोटी, और ये गांधी जी की भतीजी थी। ये है आभा, जो कि गांधी जी के भतीजे कन्हू गांधी की वाइफ थी, और ये है सुशीला नायर, जो कि गांधी जी की पर्सनल फिजिशियन थी। इन वन ऑफ हिज लेटर्स गांधी जी हैज मेंशन्ड दैट व्हाइल टेकिंग बाथ विद सुशीला नायर, अपने ब्रह्मचर्य को साबित करने के लिए वो अपनी आंख बंद कर लेते थे। एनीवेज, 30 जनवरी 1948 का गांधी जी का पूरा दिन अलग अलग मीटिंग्स में बीत गया। 2:30 बजे उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया, जो कि उनकी जिंदगी का आखिरी ऑटोग्राफ था। आगे बढ़ने से पहले ये विजुअलाइजेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इस समय गांधी जी यहाँ अपने कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे थे और रूम से बाहर निकलकर इस जगह पर प्रेयर ग्राउंड था। गांधी जी रोजाना शाम को 5 बजे इस प्रेयर ग्राउंड में प्रार्थना सभा करने जाते थे। प्रार्थना सभा का मतलब है नॉर्मली कुछ भजन वगैरह करना या फिर गांधी जी का हजारों की भीड़ को ज्ञान देना। आज हत्या वाले दिन यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी लास्ट मीटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चल रही है और गांधी जी प्रार्थना सभा में जाने के लिए ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर गोडसे अपने साथी नारायण आप्टे और विष्णु करकरे के साथ सुबह 7 बजे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर रेस्टिंग एरिया में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी फाइनल प्लानिंग को अंजाम दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियरली समझा दूं कि ये तीनों ही गांधी जी की हत्या के मास्टरमाइंड्स थे। नाथूराम गोडसे के साथ मौजूद ये नारायण आप्टे है और ये विष्णु करकरे है। ये तीनों ही हिंदू महासभा के माध्यम से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए थे। खैर, पहले तो तय हुआ कि गोडसे बुरका पहनकर जाए। वो लोग बाजार से 50 रुपए का बुरका लेकर भी आए, पर उसकी बाहें ढीली होने की वजह से पिस्टल उसमें बार बार फंस रही थी। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट रीजन ये भी था कि गोडसे को फीमेल ड्रेसअप में अपना पकड़ा जाना बदनामी जैसा लग रहा था। उसकी विचारधारा ये थी कि गांधी जी को मारने का ये कदम भारत के हित में है और उसे इस बात पर बहुत गर्व है। तब आप्टे ने सजेशन दिया कि सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है, और उन्होंने उन दिनों की ट्रेंडिंग ड्रेस खाकी बुश जैकेट और ब्लू ट्राउजर्स को अपना असैसिन लुक चूज किया। इसके बाद गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्टल में 7 गोलियां भर ली। प्रार्थना सभा का टाइम पास आता जा रहा था। गोडसे और उसके साथी रेलवे स्टेशन से बिरला मंदिर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेने गए। बिरला मंदिर के बाहर पहुंचने के बाद नारायण आप्टे और विष्णु करकरे तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर चले गए, लेकिन गोडसे अपने निशाने की प्रैक्टिस करने के लिए बिरला मंदिर के पीछे जंगल में चला गया, क्योंकि आज उसका लक्ष्य एकदम क्लियर था। गांधी जी की हत्या। बिरला मंदिर से बिरला हाउस का डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर का है। ताकि किसी को शक ना हो, उन्होंने अलग अलग समय पर जाने का प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो नाथूराम गोडसे तांगा करके बिरला हाउस के लिए निकलता है। 5 मिनट बाद नारायण आप्टे और विष्णु करकरे भी तांगे से बिरला हाउस के लिए निकल जाते हैं। बिरला हाउस के गेट पर आज पहले से ज्यादा पुलिस तैनात है। पहले से ज्यादा पुलिस इसलिए तैनात है क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब गांधी जी पर हत्या का अटेम्प्ट होने वाला था। साल 1934 से 20 जनवरी 1948 के बीच टोटल 5 बार गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उससे 10 दिन पहले ही यानी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी को जान से मारने की आखिरी कोशिश की गई थी। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, न जाने क्यों 20 जनवरी 1948 से 30 जनवरी 1948 के बीच गांधी जी ने अपनी मौत की बात 14 बार की थी। यहाँ तक कि 21 जनवरी को अपनी प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूँ तो मैं बधाई का हकदार हूँ। खैर, बिरला हाउस के मेन गेट पर ज्यादा पुलिस होने की वजह से गोडसे और उसके साथियों को तलाशी का डर लगता है, लेकिन चूंकि गांधी जी ने आने वाले फॉलोअर्स की तलाशी लेने से मना किया था, इसलिए गोडसे और उसके साथियों की तलाशी नहीं ली गई और ये तीनों ही हथियार के साथ फाइनली बिरला हाउस में एंटर कर जाते हैं। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था और गोडसे टहलता हुआ गार्डन में पहुंचा और भीड़ के साथ मिल गया। आप्टे और करकरे गोडसे के दोनों तरफ जाके खड़े हो गए ताकि कोई गोडसे को रोकने के लिए आगे आए तो वो गोडसे की हेल्प कर सके। शाम के 5 बज चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पर अभी भी गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग में उलझे हुए हैं। वहीं इसी समय गोडसे अपने दोनों साथियों के साथ गांधी जी के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी का आना डिले होता जा रहा था, गोडसे को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। तभी 5:15 बजे बिरला हाउस से गांधी जी अपनी दोनों ग्रैंड नीसेस मनु और आभा के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए आते दिखते हैं। गांधी जी मनु और आभा को अपनी वॉकिंग स्टिक्स मानते थे। गांधी जी के पीछे उनके पर्सनल असिस्टेंट प्यारेलाल, उनकी पर्सनल फिजिशियन सुशीला, सरला और डेली गांधी जी की मसाज करने वाले ब्रिज कृष्ण चल रहे हैं। गांधी जी का दुर्बल शरीर पूरी तरह मनु और आभा के सहारे चल रहा है। गोडसे को अपना सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही गांधी जी सीढ़ियां चढ़कर गार्डन में पहुंचते हैं, गोडसे भीड़ को चीरता हुआ गांधी जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, कहता है नमस्ते गांधी जी और पैर छूने के लिए नीचे झुकता है। मनु गोडसे को साइड हटने को कहती है क्योंकि गांधी जी सभा के लिए काफी लेट हो चुके थे, पर गोडसे तो आज गांधी जी का वध करने के इरादे से ही आया था। गोडसे सिर्फ गांधी जी को ही नहीं मारना चाहता था, बल्कि वो तो पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करके जिन्ना को भी मारना चाहता था। अपने दोनों हाथों के बीच गोडसे ने .39 कैलिबर बेरेटा पिस्टल छुपा रखी थी। ऊपर उठते हुए गोडसे मनु को अपने लेफ्ट हाथ से धक्का मारता है, जिससे मनु के हाथ से गांधी जी का सामान नीचे गिर जाता है। अपने राइट हैंड से पिस्टल तानते हुए 5:17 पर गांधी जी पर धड़ाधड़ 3 गोलियां दाग देता है। पहली गोली गांधी जी के अपर थाई पर लगती है, दूसरी एब्डोमेन में और तीसरी चेस्ट पर। गांधी जी ने अपने दोनों हाथ क्षमा मांगते हुए उठाए और हे राम बोलते हुए जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया थमसी गई है और दुनिया में अहिंसा
हिंसा का वो सबसे बड़ा पुजारी आज हिंसा की बलि चढ़ चुका है। ये कई सालों की सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग का ही काम था कि गांधी जी कुछ कट्टर हिंदुओं के दिलों में एक कांटे की तरह चुभ रहे थे। गोली चलते ही और ये हत्याकांड होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अनएक्सपेक्टेडली गोडसे ने भागने का कोई अटेम्प्ट नहीं किया और पास ही खड़े एक रॉयल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर देवराज सिंह ठाकुर और यूएस डिप्लोमेट हर्बर्ट रेनर ने गोडसे को पकड़ लिया और उसकी पिस्टल छीन ली। लोगों ने गुस्से में आकर गोडसे को खूब पीटा और पुलिस ने बीच में आकर गोडसे को अरेस्ट किया और उसे बिरला हाउस से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले गए। गोलियां लगते ही गांधी जी को तुरंत वापस बिरला हाउस ले जाया गया। बदकिस्मती से बिरला हाउस की डिस्पेंसरी में उस दिन एक डॉक्टर तक भी मौजूद नहीं था। अगर आपने मेरी इंदिरा गांधी वाली वीडियो देखी है तो ये कहानी कुछ वैसी ही है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी को जब उनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी थी तो डॉक्टर और एम्बुलेंस ना होने की वजह से कैसे उन्हें एम्बेसडर में हॉस्पिटल ले जाया गया था। खैर, गांधी जी को गोलियां लगने के बाद हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और ब्रिजकृष्ण जब तक डॉक्टर को लेकर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम 5:40 पर मनु ने कहा, बापू अब नहीं रहे। देश के राष्ट्रपिता की डेथ से पूरी दुनिया शॉक में थी और देश की नींव ही टूट चुकी थी। पर सवाल अभी भी वहीं की वहीं है। जो गोडसे खुद गांधी जी की पूजा करता था, उन्हें गुरु मानता था, उसने ही गांधी जी को गोलियां क्यों मार दी? नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी को मारने का जितना कारण अभी तक आपको पता चला है वो अधूरा है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि गोडसे की साइड को भी ध्यान से देखो और समझो। आजादी के बाद के इस पहले हत्याकांड के कुछ रीजंस हैं जो खुद गोडसे ने अपनी बुक मैंने गांधी को क्यों मारा में एक्सप्लेन किए हैं। नफरत की आइडियोलॉजी ने इस हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया, चलो डिटेल में समझते हैं। ध्यान रहे, आगे आने वाले सातों के सातों पॉइंट्स गोडसे ने खुद अपनी किताब में मेंशन किए हैं। पहला तो ये कि गांधी जी का अपने मन के हिसाब से नेशनल मूवमेंट्स को स्टार्ट करना और एंड करना, इस बात की बुराई तो नेहरू और पटेल भी करते थे। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हर एक्टिविटी के फाइनल जज मिस्टर गांधी ही बने हुए थे। दूसरा ये कि गांधी जी जब इंडिया आए थे तो स्टार्टिंग के इयर्स में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के जैसे प्रमोट करते थे, पर मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने एक नई लैंग्वेज हिंदुस्तानी को प्रमोट करना शुरू किया। हिंदुस्तानी एक ऐसी लैंग्वेज थी जो हिंदू और उर्दू का मिक्सचर थी। गोडसे के हिसाब से हिंदुस्तानी एक बास्टर्ड लैंग्वेज थी क्योंकि उसकी अपनी खुद की कोई भी ग्रामर या वोकैबुलरी नहीं थी। तीसरा पॉइंट ये कि इंडिपेंडेंस के लास्ट के इयर्स में हुए कम्युनल वायलेंस, जैसे 1946 में हुए बंगाल के नावखाली दंगे जो कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए हुए थे, ऐसे सब वायलेंस का जिम्मेदार भी गोडसे गांधी जी को ही मानता था। चौथा ये कि गोडसे को लगता था कि गांधी जी की मुस्लिम्स को खुश करने की पॉलिसी जो कि सेक्युलरिज्म के अंधे बहकावे में हो रही थी वो देश की अखंडता को खराब कर रही थी। पांचवा ये कि गोडसे मानता था कि देश का पार्टीशन गांधी जी जैसा पावरफुल व्यक्ति रुकवा सकता था, पर वो असफल रहे। गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर हरिजन में 6 अप्रैल 1940 को ये मेंशन भी किया था कि इंडिया एक जॉइंट फैमिली की तरह है जिसमें किसी भी ग्रुप को अलग होने का अधिकार है। जब इस तरह की बातें गोडसे के आइडल गांधी जी ने कही तब उसे काफी सदमा पहुंचा। सिक्स्थ पॉइंट ये कि आजादी के बाद जो हिंदू और सिख भारत को अपना देश समझकर पाकिस्तान से वापस आए उनको किसी भी तरह की बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो रेफ्यूजीज दिल्ली के फुटपाथ्स पर रहने पर मजबूर थे। इतने रीजंस के अलावा जिस रीजन ने गांधी जी की मौत में आखिरी कील गाड़ी वो था उनका लास्ट प्रो मुस्लिम फास्ट जो कि उन्होंने 13 जनवरी 1948 से 18 जनवरी 1948 तक किया। इस फास्ट का मकसद था कि दिल्ली में मुस्लिमों के मस्जिद को हिंदू रेफ्यूजी से खाली करवाना और पाकिस्तान को ड्यू 55 करोड़ रुपए देना, जबकि उस समय पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया हुआ था। गांधी जी इंडिया के राष्ट्रपिता के रूप में अपनी ड्यूटीज में फेल रहे और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता ज्यादा साबित हुए। भारत माता का एक रिस्पॉन्सिबल बेटा होने के कारण मैंने सोचा कि हमारे देश को डिवाइड करने वाले राष्ट्रपिता के जीवन को समाप्त करना मेरी ड्यूटी है। गोडसे ने इस पूरे एक्ट को रामायण में राम और महाभारत में अर्जुन की तरह अपनी एक ड्यूटी बताया। गांधी जी की डेथ से पूरे देश में एक मातम सा फैल गया। नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को एड्रेस करते हुए इंग्लिश में ही कहा कि फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। हर कोई गांधी जी के आखिरी दर्शन करना चाहता था। लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके प्यारे बापू अब दुनिया से विदा ले चुके हैं। गांधी जी की डेथ से मानो एक युग का अंत ही हो गया हो। रात के 12 बजे बिरला हाउस की छत से गांधी जी के आखिरी दर्शन लोगों को करवाए गए। रात 2 बजे ब्रिजकृष्ण ने गांधी जी को आखिरी बार नहलाया, गले में एक सूत की माला पहनाई और मनु ने तिलक लगाया। अगले दिन 31 जनवरी को गांधी जी की शव यात्रा बिरला हाउस से यमुना नदी के किनारे पहुंची। गांधी जी को एक ओपन डोज व्हीकल में ले जाया गया जिस पर नेहरू, पटेल और गांधी जी के बेटे देवदास और रामदास बैठे थे। दुख की बात यह है कि गांधी जी के बड़े बेटे हरिदास को उनके अंतिम दर्शन के लिए आने नहीं दिया गया क्योंकि जीते जी गांधी जी और हरिदास के रिश्ते काफी खराब थे। गांधी जी को रिस्पेक्ट के साथ इंडियन फ्लैग में लपेटा गया। यमुना किनारे से 250 मीटर पहले डोज व्हीकल का इंजन बंद किया और आर्मी नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर्स ने उसे खींचा और चिता पर लिटा दिया। जिन्ना ने जब अपना शोक संदेश भेजा तो उसमें गांधी जी को हिंदू कम्युनिटी का एक ग्रेटेस्ट पर्सन कहा। इस लाइन में जो सबसे पेनफुल बात है वो ये कि जिस इंसान ने अपनी पूरी लाइफ सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने में लगाई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी सिखाई
उस कम्युनिटी ने तो गांधी जी को कभी अपना माना ही नहीं। लोगों को जैसे ही गांधी जी की डेथ की न्यूज मिली, उन्होंने महाराष्ट्र के उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया जिनका सरनेम गोडसे था या जो चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, क्योंकि गोडसे भी चित्पावन ब्राह्मण था। इस जिनोसाइड को बहुत कन्वीनियंटली दबा दिया गया क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोगों का हाथ था। ब्रिटिश जर्नलिस्ट मॉरीन पैटरसन के हिसाब से अनऑफिशियली 6-10 करोड़ रुपए का डैमेज हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर इसी टाइम ऐसे जिनोसाइड्स को सही से कंट्रोल कर लिया जाता तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए एंटी सिख राइड्स इतने भयानक ना होते। गोडसे और उसके साथियों पर रेड फोर्ट में स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चला। यहाँ गोडसे ने 30,000 वर्ड्स का अपना जस्टिफिकेशन सुनाया कि कैसे वो गांधीवादी से गांधी हत्या तक पहुंचा और अपने इस रूथलेस एक्ट को पूरी तरह से पॉलिटिकल बताया। उसने ये प्राउडली एक्सेप्ट भी किया कि उसने गांधी जी को मारा है पर वो इस पूरे हत्याकांड में अकेला है। गोडसे और नारायण आप्टे जो साथ मिलकर अग्रणी अखबार चलाते थे, 1945 के एक पब्लिकेशन में गांधी को अखंड भारत के कॉन्सेप्ट का रावण शो करते हैं। इन दोनों को फांसी की सजा होती है, बाकी के 6 साथियों को लाइफ इंप्रिजनमेंट और वीर सावरकर को बरी कर दिया जाता है। गोडसे और आप्टे को अम्बाला जेल में रखा जाता है और 15 नवंबर 1949 को फांसी के टाइम दोनों नारा लगाते हैं, अखंड भारत अमर रहे। खैर, इस हत्याकांड के एक दिन बाद यमुना के घाट पर गांधी जी पंच तत्व में विलीन हो गए। ये कहानी थी 30 जनवरी 1948 की। अपने इस पॉडकास्ट में मैंने स्टार्टिंग से एंड तक की पूरी जर्नी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल और एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनती हैं एकदम डिटेल में बताया है। इस पर क्लिक करो और जरूर देखो।